नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाक का मांस बढ़ने के बारे में, जिसे कि हम नेजल पॉलिप्स कहते हैं। दोस्तों, जब साइनस या नाक के श्वसन मार्गों के अंदरूनी परत का मांस बढ़ने लगता है तो इस स्थिति को नाक का मांस बढ़ना कहते हैं। इसके अलावा इस स्थिति को नाक का नाकड़ा के नाम से भी जाना जाता है। नाक के अंदर का यह बढ़ा हुआ मांस कैंसर मुक्त और दर्द रहित होता है और यह बढ़ा हुआ मांस नाक के अंदर पानी की बूंद या फिर अंगूर की तरह लटका हुआ होता है। कई स्थितियों के परिणाम स्वरूप नाक के अंदर का मांस बढ़ने लगता है और इसकी जड़ में दमा के कारण रहने वाली सूजन, बार बार इन्फेक्शन होना, एलर्जी, दवाओं और नशीले पदार्थों के प्रति संवेदनशीलता और कुछ प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़े विकार वगैरह शामिल है। यदि नाक के अंदर का मांस थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है तो उससे किसी प्रकार के लक्षण विकसित नहीं होते हैं, लेकिन यदि नाक के अंदर का मांस अधिक बड़ा हुआ है तो उससे श्वसन मार्ग रुक जाते हैं, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होना, सूंघने की शक्ति कम होना और नाक में बार बार इन्फेक्शन होने जैसे लक्षण विकसित होने लगते हैं। नाक का मांस पुरुषों और महिलाओं दोनों ही लिंगों में किसी भी उम्र में बढ़ सकता है, लेकिन यह स्थिति ज़्यादातर वयस्कों में आम होती है। दवाओं की मदद से बढ़े हुए मांस को हटा दिया जा सकता है या फिर उसके आकार को छोटा कर दिया जा सकता है और मांस को हटाने के लिए कुछ मामलों में सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। हालांकि इलाज की मदद से मांस को सफलतापूर्वक हटाने के बाद भी नाक के अंदर का मांस फिर से बढ़ सकता है। तो बात की जाए कि नाक का मांस बढ़ने पर जो आपको क्या क्या लक्षण महसूस होने लगते हैं, तो नाक का मांस बढ़ने पर नाक के श्वसन मार्गों में सूजन और लालिमा होने लगती है, जो कि 12 हफ्तों से भी अधिक समय तक रह सकती है और इस स्थिति को क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस और क्रॉनिक साइनसाइटिस भी कहा जाता है। हालांकि नाक का मांस बढ़े बिना साइनसाइटिस विकसित होने की भी काफ़ी संभावनाएँ होती है। नाक का बढ़ा हुआ मांस नरम होता है और उनमें सनसनी भी कम महसूस होती है और इसीलिए यदि आपकी नाक में बढ़ा हुआ मांस छोटा है तो हो सकता है कि आपको उसका पता भी ना चल पाए। बड़े आकार में बढ़ा हुआ या अलग अलग समूहों में बढ़ा हुआ मांस आपके श्वसन मार्गों और साइनस में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। नाक का मांस बढ़ने के साथ साइनसाइटिस होने पर महसूस होने वाले कुछ सामान्य लक्षण और संकेतों की बात करें तो उनमें है नाक बहना, हर समय नाक रुकी हुई या भरी हुई महसूस होना, पोस्ट नेजल ड्रिप यानी कि बहती नाक के द्रव का गले में जाना, सूंघने की शक्ति कम होना या खत्म हो जाना, स्वाद की भावना कम हो जाना या किसी खाने की चीज़ के स्वाद को ठीक से महसूस ना कर पाना, चेहरे में दर्द होना या सिरदर्द होना, ऊपरी दांतों में दर्द होना, आपके माथे और चेहरे के ऊपर कुछ दबाव जैसा महसूस होना, साथ ही साथ खराटे भी महसूस हो सकते हैं। तो बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि आपको 10 या उससे अधिक दिनों तक लक्षण महसूस हो तो आपको डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए। नाक का मांस बढ़ना और क्रॉनिक साइनसाइटिस के कुछ लक्षण काफ़ी समान होते हैं, जैसे कि सामान्य जुकाम वगैरह। यदि आपको कोई समस्या महसूस हो रही है, जैसे कि सांस लेने में गंभीर रूप से परेशानी महसूस होना, अचानक से लक्षण बदतर हो जाना, दोहरा दिखाई देना यानी कि दो दो चीज़ें दिखाई देना, कम दिखाई देना या आँखों को पूरी तरह से इधर उधर ना हिला पाना, आंखों के आसपास गंभीर रूप से सूजन बढ़ जाना या लगातार बढ़ते हुए गंभीर दर्द के साथ तेज बुखार या फिर सिर जो है वो आगे की तरफ ना झुक पाना या ना झुका पाना, तो ऐसी स्थितियों में आपको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, डॉक्टर से मदद प्राप्त करनी चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नाक का मांस जो है ये क्यों बढ़ता है। तो दोस्तों, वैज्ञानिक अभी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाए हैं कि नाक का मांस बढ़ने का क्या कारण है और इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं है कि आखिर क्यों कुछ लोगों की नाक में लंबे समय तक लालिमा और सूजन हो जाती है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि लंबे समय से सूजन और जलन रहने से कुछ लोगों में नाक का मांस क्यों बढ़ने लगता है और अन्य लोगों में क्यों नहीं बढ़ता है। यह सूजन और जलन द्रव का निर्माण करने वाली नाक और साइनस की परत में आती है और इस परत को हम श्लेष्म झिल्ली कहते हैं। कुछ प्रमाण ऐसे भी मिलते हैं कि जिन लोगों की नाक का मांस बढ़ जाता है उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया और उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन में केमिकल उन लोगों से अलग प्रकार के होते हैं जिनकी नाक का मांस नहीं बढ़ता है। नाक का मांस किसी भी उम्र में बढ़ने लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर यह युवा और मध्यम वर्ग के वयस्कों में अधिक होता है। मांस जो है वो नाक के अंदर आपके श्वसन मार्ग और साइनस में कहीं भी बढ़ने लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसको साइनस के उस क्षेत्र में होते देखा गया है जो कि आँख, नाक और गाल की हड्डी के आसपास से होते हुए श्वसन मार्गों से निकलता हो। बात की जाए दोस्तों कि नाक का मांस बढ़ने का खतरा कब ज़्यादा हो जाता है, तो नाक का मांस बढ़ने का खतरा तब उत्पन्न हो जाता है जब इन्फेक्शन या एलर्जी के चलते श्वसन मार्गों में लगातार जलन या सूजन होने लगती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो नाक का मांस बढ़ने की स्थिति के लिए उत्तरदायी हो सकती है, जैसे कि एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस,
एयरबोर्न फंगी के प्रति एलर्जिक होना, यानी कि हवा के द्वारा नाक के माध्यम से फैलने वाले रोगजनकों को एयरबोर्न कहते हैं। अस्थमा की बात करें तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें श्वसन मार्ग सूजन और जलन से ग्रस्त हो जाते हैं और संकुचित होने लगते हैं। एस्पिरिन सेंसिटिविटी की बात करें तो इस स्थिति के कारण भी कुछ लोगों में नाक का मांस बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें तो यह एक आनुवंशिक विकार होता है जिसमें नाक और साइनस से असामान्य रूप से गाढ़ा और चिपचिपा द्रव निकलता है। नाक का मांस बढ़ने का कारण पारिवारिक समस्या भी हो सकती है और ऐसे कुछ प्रमाण भी पाए गए हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य से जुड़े कुछ प्रकार के बदलाव नाक के मांस बढ़ने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। तो बात की जाए कि नाक का मांस बढ़ने से आप कैसे रोक सकते हैं, तो दोस्तों कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप नाक के अंदर का मांस बढ़ने की संभावनाओं को कम कर सकते हैं और इलाज के बाद फिर से मांस बढ़ने से रोकथाम कर सकते हैं, जैसे कि एलर्जी और अस्थमा का इलाज करना। एलर्जी और अस्थमा से बचाव रखने के लिए डॉक्टर द्वारा बताए गए सुझावों का पालन करें। यदि फिर भी इन स्थितियों के लक्षण ठीक से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर को इस बारे में बताएं और ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपके इलाज या इलाज में दी गई दवाओं में कुछ बदलाव कर सकते हैं। साथ ही साथ नाक को उत्तेजित करने वाले पदार्थों से बचें। जितना हो सके हवा में फैलने वाले ऐसे उत्तेजक पदार्थों से बचने की कोशिश करें जो कि आपकी नाक में सूजन, जलन और इन्फेक्शन विकसित करने जैसी संभावनाओं को बढ़ा देती है। हवा से फैलने वाले उत्तेजक पदार्थों में एलर्जन, तंबाकू का धुआं, केमिकल का धुआं, धूल और अन्य प्रकार का कचरा वगैरह। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने का अभ्यास करें। अपने हाथों को अच्छी तरह से और नियमित रूप से धोना चाहिए। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन से बचाव रखने के सबसे बेहतर तरीकों में से एक है और ये इन्फेक्शन नाक और साइनस में सूजन, लालिमा, जलन और दर्द वगैरह पैदा करते हैं। साथ ही साथ घर के वातावरण को नम रखें। घर के अंदर की हवा अक्सर शुष्क हो जाती है, उसको नम रखने के लिए एक ह्यूमिडिफायर उपकरण का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपके श्वसन मार्ग नम रहते हैं, नाक से बलगम आसानी से बाहर आने लगता है जिससे कि नाक रुकने और सूजन, लालिमा और जलन वगैरह से बचाव हो जाता है। साथ ही साथ नेजल रिंस या फिर नेजल लेवेज का इस्तेमाल करें। नाक के श्वसन मार्गों को धोने के लिए नमक के पानी यानी कि सेलाइन स्प्रे का उपयोग करें या नेजल लेवेज का इस्तेमाल करें। इसकी मदद से साइनस और नाक का बलगम आसानी से निकल जाता है और नाक और साइनस के अंदर के एलर्जिक और उत्तेजक पदार्थ भी साफ हो जाते हैं। आप मेडिकल स्टोर से सेलाइन स्प्रे या जल नीति करने के लिए नेटी पॉट वगैरह ले सकते हैं। यदि आप नाक को धोने के लिए खुद ही घोल बनाना चाहते हैं तो स्वच्छ और जीवाणु रहित पानी लें और इसके लिए पहले पानी को उबालकर ठंडा कर लें। इसके अलावा एक माइक्रोन या उससे छोटे आकार के ले एप्स्टल वाले फिल्टर द्वारा फिल्टर किए गए पानी को ही लेना चाहिए और यहाँ भी ध्यान रखें कि उपयोग करने के बाद उपकरण हैं उनको भी उबालें और ठंडे किए गए या फिर फिल्टर के पानी के साथ धो देना चाहिए और फिर उसको सूखने के लिए खुली हवा में रख देना चाहिए। तो बात की जाए कि नाक का मांस बढ़ने का निदान कैसे होता है, तो डॉक्टर आपसे पूछे गए सवालों के जवाब, सामान्य शारीरिक परीक्षण और आपकी नाक के भीतर जांच करने के ही आधार पर आपकी समस्या का इलाज करते हैं। नाक के बढ़े हुए मांस को एक रोशनी वाले उपकरण की मदद से देखा भी जा सकता है और नाक का मांस बढ़ने का परीक्षण करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं जैसे कि नेजल एंडोस्कोपी। इस परीक्षण में नेजल एंडोस्कोप नाम के एक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है और यह एक पतली लचीली ट्यूब होती है जिसमें कि एक लेंस या एक छोटा सा कैमरा लगा होता है और इस उपकरण की मदद से डॉक्टर नाक और साइनस के अंदर देखकर अच्छे से जांच कर पाते हैं। इमेजिंग टेस्ट की बात करें तो यदि मांस नाक की गहराई में कहीं बड़ा हुआ है तो सिटी स्कैन की मदद से तस्वीरें निकाली जाती है और इन तस्वीरों की मदद से डॉक्टर नाक के अंदर बढ़े हुए मांस का आकार और उसकी जगह का पता लगाते हैं। साथ ही ये भी पता लगाते हैं कि सूजन और लालिमा नाक के अंदर कितनी फैली हुई है। सिटी स्कैन डॉक्टर को नाक की रुकावट के अन्य संभावित कारणों के बारे में भी जानकारी देता है जैसे कि नाक की संरचना में किसी प्रकार की असामान्यता या फिर अन्य किसी प्रकार से कैंसर युक्त या बिना कैंसर वाला मांस बढ़ना। और बात की जाए एलर्जी टेस्ट की, तो डॉक्टर स्किन टेस्ट करवाने का सुझाव भी दे सकते हैं जिनकी मदद से यह पता लगाया जाता है कि आपकी नाक और साइनस में सूजन और लालिमा कहीं किसी एलर्जिक रिएक्शन के कारण तो नहीं है। एलर्जी टेस्ट में स्किन प्रिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया में मरीज की भुजा या फिर पीठ की ऊपरी त्वचा में एक ऐसे पदार्थ की कुछ बूंदों को डाला जाता है जो कि एलर्जिक होता है। डॉक्टर या नर्स के द्वारा किए जाने वाले इस निरीक्षण के दौरान इन बूंदों को 15 मिनट तक त्वचा पर रखा जाता है और फिर त्वचा में किसी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन की जांच की जाती है। यदि किसी कारण से स्किन टेस्ट ना किया जाए तो डॉक्टर खून टेस्ट करवाने का सुझाव दे सकते हैं और इस टेस्ट के दौरान खून में विशेष प्रकार के एंटीबॉडीज की उपस्थिति का पता लगाया जाता है और जब शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शन होता है तो शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाकर खून में जारी करता है। और बात की जाए सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए किए गए टेस्ट की, तो यदि आपके बच्चे की नाक का मांस बढ़ गया है तो आपके डॉक्टर सिस्टिक फाइब्रोसिस का टेस्ट करवाने के लिए बोल सकते हैं।
सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आनुवंशिक रोग है जो कि उन सभी ग्रंथियों को प्रभावित करता है जो कि बलगम, लार, आंसू, पसीना और पाचक रस बनाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का पता लगाने के लिए सामान्य टेस्ट एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है, जैसे कि पसीने की जांच। बच्चे के पसीने की जांच के दौरान यह पता लगाया जाता है कि कहीं उसके पसीने में नमक की मात्रा सामान्य से ज़्यादा तो नहीं है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नाक में मांस बढ़ने पर उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों नाक का मांस बढ़ने पर होने वाले या इससे बिना होने वाले साइनसाइटिस को पूरी तरह से ठीक करना काफ़ी मुश्किल स्थिति होती है। साइनसाइटिस के लक्षणों को मैनेज करने के लिए और एलर्जी जैसी जो स्थितियाँ हैं जो कि नाक में सूजन और लालिमा पैदा कर सकती है, उनका इलाज करने के लिए आपको उपचार के एक ऐसे प्लान की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें कि लंबे समय तक इलाज किया जाता है। एक लंबे समय तक चलने वाले उपचार प्लान के लिए आपको कई बार डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। नाक का मांस बढ़ने के इलाज का मुख्य लक्ष्य मांस को कम करना या पूरी तरह से हटाना होता है। आमतौर पर सबसे पहले दवाओं के साथ ही इसका इलाज किया जाता है और कुछ मामलों में सर्जरी का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन यह मांस बढ़ने का स्थायी समाधान नहीं है क्योंकि मांस फिर से भी बढ़ने लग सकता है। दवाओं की बात करें तो नाक के बढ़े हुए मांस का इलाज आमतौर पर दवाओं के साथ किया जाता है और ये दवाएं बढ़े हुए मांस को कम कर सकती है और यहां तक कि गायब भी कर सकती है। इन दवाओं की बात करें तो सबसे पहले है नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नाक के अंदर सूजन और लालिमा जैसी स्थितियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर आमतौर पर नाक के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे लिखते हैं और इस इलाज की मदद से नाक का बढ़ा हुआ मांस कम हो सकता है और यहाँ तक कि पूरी तरह से गायब भी हो सकता है। तो नाक में इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रे की बात करें तो उसमें है फ्लूटिकाजोन, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूनिसोलाइड, मोमेटाजोन, साथ ही साथ ट्रायएमसिनोलोन, बैक्लोमेथाजोन। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि मुंह के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा ली जाने वाली कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, तो यदि नाक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रे काम ना कर पाए तो डॉक्टर खाने वाली यानी कि ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाएं लिखते हैं जैसे कि प्रेडनिजोन। और कई बार डॉक्टर स्प्रे और मुँह से लेने वाली दवाओं को एक साथ भी दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाएँ गंभीर साइड इफेक्ट भी पैदा कर सकती है और इसीलिए इनको कुछ सीमित समय के लिए ही दिया जाता है। यदि नाक का मांस गंभीर रूप से बढ़ा हुआ हो तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों बात की जाए कुछ अन्य दवाओं की, तो आपके साइनस या नाक के श्वसन मार्गों में सूजन, लालिमा और जलन जैसी समस्याओं का इलाज करने के लिए डॉक्टर कुछ अन्य दवाएं भी लिख सकते हैं। और इन दवाओं में एलर्जी का इलाज करने के लिए एंटी हिस्टामाइन और बार बार होने वाले या लंबे समय से हो रहे इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं शामिल है। जिन लोगों को एस्पिरिन दवाओं से सेंसिटिविटी है उनके लिए एस्पिरिन डिसेंसिटाइजेशन करने से भी नाक के अंदर बढ़े हुए मांस का इलाज किया जाता है। सर्जरी की बात करें तो यदि दवाओं की मदद से नाक के अंदर बढ़े हुए मांस को कम या हटाया ना जा सके तो मांस को हटाने के लिए एंडोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और सर्जरी की मदद से नाक के अंदर के मांस को हटाया जाता है और उन सभी समस्याओं का इलाज भी किया जाता है जो कि बार बार सूजन और लालिमा पैदा करती है। एंडोस्कोपिक सर्जरी में डॉक्टर एक पतली सी ट्यूब जिसके आगे एक लेंस या छोटा सा कैमरा लगा होता है, इस उपकरण को नाक के अंदर डालते हैं और साइनस तक ले जाते हैं और इस दौरान डॉक्टर एक छोटे से उपकरण का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से नाक के बढ़े हुए मांस और अन्य अवरोधों को हटा दिया जाता है जो कि हवा और अन्य द्रवों में रुकावट पैदा करते हैं। डॉक्टर आपके साइनस से नाक से श्वसन मार्गों तक जाने वाले रास्तों को भी खोल देते हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरी एक आउटपेशेंट सर्जरी होती है। आउटपेशेंट सर्जरी का मतलब होता है कि इस प्रक्रिया के लिए मरीज को रात भर अस्पताल में रुकने की आवश्यकता नहीं होती है और वे सर्जरी करवाकर उसी दिन अपने घर जा सकते हैं। सर्जरी के बाद नाक के मांस को बढ़ने से रोकथाम करने के लिए डॉक्टर आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। सर्जरी के घावों को जल्दी ठीक करने के लिए डॉक्टर आपके नमक के पानी के साथ अपनी नाक और साइनस को धोने का सुझाव भी देते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि नाक में मांस बढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो सकती है, तो दोस्तों नाक का मांस बढ़ने से कई प्रकार की जटिलताएं विकसित हो जाती हैं क्योंकि इससे नाक के श्वसन मार्ग रुक जाते हैं जिससे नाक में हवा ठीक से आने और जाने में दिक्कत होने लगती है और नाक से निकलने वाले द्रव भी ठीक से बाहर नहीं आ पाते। इसके अलावा नाक का मांस बढ़ने से कुछ समस्याएं हो सकती है जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक भावित रूप से एक गंभीर स्थिति है। इसमें नींद के दौरान आपका सांस बार बार रुकने और चलने लगती है, साथ ही साथ अस्थमा एकदम से तीव्र होना। दीर्घकालिक राइनोसाइनसाइटिस अचानक से अस्थमा को तीव्र कर सकता है और साथ ही साथ साइनस में इन्फेक्शन होना। नाक का मांस बढ़ने से साइनस में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है जो कि अक्सर बार बार होता है और लंबे समय तक भी रह सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।